उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 11 जिलों की 58 सीटों पर नामांकन पत्रों की जांच कर ली गई है, जिसमें बाहुबली नेता और पूर्व विधायक श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित और बुलंदशहर हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज का नामांकन रद्द कर दिया गया है। दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से लेकर LJP और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सहित कई निर्दलीय प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो गए हैं। नामांकन पत्र खारिज होने से एक प्रत्याशी ने आत्मदाह की भी कोशिश की है। बुलंदशहर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर 19 प्रत्याशियों के पर्चे निरस्त कर दिए गए हैं। 19 नामांकन रद्द होने के बाद अब मैदान में कुल 69 प्रत्याशी शेष है। सपा से टिकट न मिलने पर पार्टी छोड़कर शिवसेना से चुनाव लड़ने का दम भरने वाले डिबाई के पूर्व विधायक श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित का पर्चा निरस्त होने के बाद उनका सपना एक बार फिर चकनाचूर हो गया। वहीं खुर्जा से सपा समर्थन होने का दावा करने वाले पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार और स्याना हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज का भी पर्चा निरस्त कर दिया गया है। बुलंदशहर से तारिक खान, बाबर खान, योगेश कुमार जैसे तमाम लोगों का पर्चा रद्द कर दिया गया है। वहीं मथुरा की 5 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 22 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे में अब 58 उम्मीदवार शेष बचे हैं। मथुरा विधानसभा क्षेत्र से 12, छत्ता से 2, बलदेव सीट से 3 और मांड से 5 उम्मीदवारों के नामांकन भी रद्द कर दिए गए हैं।